अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक गैराज आया और वहाँ पर मेरे एक दोस्त थे, बस थोड़ी सी टायरों का इशू था और उसमें थोड़ा सा काम था और कुछ ब्रेक पैड का भी इशू था। तो उस वजह से जब गाड़ी में काम करवाना हो तो सारा का सारा देखना पड़ता है। तो एक्चुअली हुआ इस तरह कि बस रोड के ऊपर जो है इसका ग्रिप अच्छा नहीं था, तो सोचा मैं मैकेनिक के पास आ जाऊँ। मैकेनिक ने मुझे बताया कि इसका ये इशू है और उसने मुझे ये बताया कि भाई इसका जो है सब कुछ चेंज होने का है और जिस लाइक का ये जो चीज़ें जो ओपन की हुई हैं, तो उन्होंने जब पूरा एग्जामिनिंग किया तो उसने बताया कि इसका ये हिस्सा जो है ना ये कमज़ोर है, ये दूसरा हिस्सा जो है ना ये हमने बाय किया है, ये बड़ा अच्छा कंडीशन में है। तो आप दोनों का कंपेरिजन कर सकते हैं कि एक अच्छे कंडीशन में एक बहुत वीक कंडीशन में। अभी वीक कंडीशन जो है वो ज़र इस्तेमाल था, अब हमने इसको चेंज कर दिया है और चेंज करने के बाद हमने उसको कहा कि भाई लेट्स मेक अ डील, ठीक है, और जाके जो है ना कुछ चीज़ें और लेकर आनी थी क्योंकि हमने जब एक काम करना है तो सारा का सारा जो है ना एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट करने के बाद जो है थोड़ी सी गपशप भी हुई उनसे। और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी इसके ऊपर जो है ना हमने काम मुकम्मल कर लिया है तकरीबन जी जनाब। इसके बाद इन्होंने रकमाल को इसको ज़रा रगड़ा है थोड़ा सा और इन्होंने लगाया एंटी स्कॉटिश पेस्ट का है ताकि ग्रिप का इसके पैड के ऊपर अच्छा ग्रिप बने। भाई साहब कितना साल एक्सपीरियंस है? कितना साल एक्सपीरियंस है मेरा? हाँ मेरा 12 साल। 12 साल माशाल्लाह। यहाँ पर कितने साल हुए हैं? 4 साल। गुड माशाल्लाह। अबू धाबी में? काम करने के बाद हमने इसका जो ना फिल्टर चेंज करा था और फिल्टर अच्छा वाला जेन्युइन उठाया हमने मार्केट से। और इसका फ़ायदा ये होगा कि ये ऑयल के सफाई में जो है ना बड़ा काम करने में मदद देता है। और इसके साथ हमने ये वाला ऑयल लिया, मोटर ऑयल, बेहतरीन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर के हिसाब से 5W40 लिया। और इसको जो है हमने पुराना ऑयल से निकाल के इंजन ऑयल निकाल दिया। इंजन ऑयल निकालने के बाद हमने इसको ऑलमोस्ट मोटर ऑयल भी इसमें हमने डाल दिया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसको जो है ना सबसे अच्छी सफाई शफाई करा के उसके बाद हम चले गए व्हील अलाइनमेंट पे। व्हील अलाइनमेंट का ज़रा इशू था, हमने कहा चलो टायर तो सारे ओपन आ गए थे, चलो इसका भी कर लेते हैं। टायर ओपन करने के बाद जो है ना हम व्हील अलाइनमेंट की तरफ चले गए तो वहाँ पर हमने देखा कि हमने इस अलाइनमेंट कराना ज़रूरी था ताकि चारों टायरों की बैलेंस और अलाइनमेंट जो है ना हो सके कि कंप्यूटराइज टेस्ट होने के बाद हम फिर इसको टेस्ट के लिए लेके जाएंगे क्या एक साइड पे लोड प्रेशर होता है या नहीं। बहरहाल ये सारी चीज़ें यानी ये कंप्यूटराइज टेस्टिंग है, हर एक टायर का जो है ना अपना अपना एक कंप्यूटर टेस्टिंग लगा हुआ है, वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो सब कुछ दिखाया जाता है। बहरहाल कोई भी आप सेकेंड हैंड गाड़ी लें तो ज़रूर इसका जो है अलाइनमेंट, टायर चेंज और बैलेंस वगैरह जो है ना वो आप चेक करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया और ये वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह ये चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ज़रूर।